हम लोग सर यूसुफ किरमानी सर के पास चलते हैं। यूसुफ किरमानी सर, आपका बहुत स्वागत है, पहली बार आप हमारे साथ आ रहे हैं। सर, ये जो एक चर्चा चल रही है मोदी मित्र को लेकर के, तो क्या मोदी मित्र, जो सीधी सीधी बात की जाए तो मोदी मित्र का टारगेट, चूंकि हिंदुत्व के ये मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, तो मुस्लिमों को लुभाने के लिए मोदी मित्र की योजना है, या फिर इस योजना के पीछे कुछ और भी है जो आप पत्रकारिता के नजरिए से देख रहे हो? यूसुफ साहब, मैं ये कह रहा था कि चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो या कनिष्ठ पत्रकार हो, उसको बहुत ये बात साफ है कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं मुसलमानों से संपर्क साधने के लिए, चाहे वो पसंदीदा मुसलमानों का मामला हो, चाहे वो मोदी मित्र का मामला हो, वो सारा का सारा यही है कि मुसलमानों को कैसे मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से मिलाया जाए। लेकिन ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आज तक नाकाम रही है और आगे भी नाकाम होगी। इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज भविष्य में भी कभी भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच ले कि कामयाब होगी तो ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह बहुत साफ है और सारा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी को आज तक बेशक सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम आयोगों ने क्लीन चिट दी है, लेकिन भारत के मुसलमान ने आज तक उनको गुजरात के मामले में कोई क्लीन चिट नहीं दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी दोषी है, मैं ये कह रहा हूं कि जिन मुसलमानों से संपर्क साधा जा रहा है वो उन मुसलमानों ने आज तक मोदी जी को अपने खाते से बरी नहीं किया है। और चाहे वो मोदी जी टोपी पहनने से इनकार करते हो, जो जिसके वीडियो सामने आए थे, जो सब तमाम चैनलों ने दिखाया था कि मोदी जी ने किस तरह से मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया था, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम जिस चीज को नापसंद करते हैं हम उसको क्लियरली मना करते हैं, पब्लिकली मना करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने ये किया। मोदी जी मुसलमानों के उन फंक्शनों में जाने से इनकार करते रहे गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे कि इससे उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद जो गुजरात दंगा हुआ और तमाम चीजें हुई, एहसान जाफरी के साथ 65 लोगों को जिंदा जला दिया गया गुलबर्गा सोसाइटी में, उनकी विधवा जकिया जाफरी आज भी तमाम अदालतों के चक्कर काट रही है, तो ये सारी की सारी बातें मुसलमानों के दिलो दिमाग पे ताजा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि इस तरह के तमाम प्रयासों से, और मान लीजिए कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, उससे भी मुसलमानों को अगर वो आउटरीच करते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो भी मुसलमान कभी दिल से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के साथ नहीं जुड़ पाएगा। वो चंद मुसलमान जो मुख्तार अब्बास नकवी या जो हमारे कुछ हाल में ही जिनसे मोहन भागवत जी ने मुलाकात की थी, वो बौद्धिक लोग जिनमें नजीब जंग, एस वाई कुरैशी और तमाम लोग थे, शाहिद सिद्दीकी वगैरह, इन लोगों ने मुलाकात की थी मोहन भागवत से, और इन लोगों ने कहा था कि भाई मुसलमानों के बीच में और संघ के बीच में बड़ी अच्छी समझ पैदा हो रही है और हम नजदीक आ रहे हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हम चूंकि जमीन पर जुड़े हुए लोग हैं, हम जमीन पर पत्रकारिता करते हैं और हमें मालूम है कि आम मुसलमान क्या सोचता है और क्या कहता है। तो ये जो मोदी मित्र है, बेशक जो इनका अल्पसंख्यक मोर्चा है वो कागज पे बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ठोस आधार कहीं भी नहीं है। आज तक कोई बड़ी, बहुत बड़ी रैली जिसमें लाख, दो लाख, पांच लाख मुसलमान इकट्ठा होते, उसने मैं मोदी जी के लिए या किसी भाजपा नेता के लिए आयोजित नहीं की है। तो ये कागज पे बना संगठन है और इसकी जो आउटरीच प्रोग्राम है वो बुरी तरह से असफल होते हैं, 150 लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि जो आरएसएस के बड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार, जिनके जिम्मे मुसलमानों को भाजपा से और आरएसएस के नजदीक लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जिन्होंने कचपे मुसलमानों को वीसी भी बना दिया और तमाम संगठनों से जोड़ा भी, लेकिन ये सारी की सारी एक्सरसाइज नाकाम है, इससे कोई भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अब मैं मुद्दे पे आता हूं, एक तरफ आप पसंदीदा मुसलमानों को भाजपा से, आरएसएस से जोड़ने की बात करते हैं, और अभी दो दिन पहले नासिक में एक कुरैशी युवक था जिसको इस शक में मार डाला गया, भीड़ ने, हिंदूवादियों की भीड़ ने इसलिए मार डाला कि उसके ऊपर शक था कि वो बीफ, जो मीट होता है, उसकी स्मगलिंग कर रहा था। अब बीफ मीट की परिभाषा भी बदल गई है भारत में, जो बफलो मीट होता है जिसको हम बड़े का मीट बोलते हैं, उसको भी उसके ले जाने पे या उसके कारोबार पे भी लोगों को आपत्ति है, और पूरे देश में उसका कारोबार तमाम हिंदुओं के हाथों में है, तमाम पंजाबियों के हाथों में है, यहाँ तक कि एक केंद्रीय मंत्री का हिस्सा भी इस तरह की एक फैक्ट्री में है जो वेस्ट यूपी में लगाई गई है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है,
लेकिन जो कुरैशी युवक की हत्या हुई है नासिक में, वो कुरला बंबई का रहने वाला था, अपने भाई के साथ जा रहा था, और पुलिस का ये कहना है कि अभी ये साबित नहीं हो सकता है कि जो मीट था वो बीफ था या नहीं था, लैब में टेस्ट होगा। ऐसे इखलाक हत्याकांड हुआ था दादरी में, अगर याद हो, बहुत पुरानी बात है, नई नई सरकार आई थी, और जब वो हत्याकांड हो गया और उनका बेटा इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता है, आज भी जॉब कर रहा है, वो उस बेटे के बाप को मार डाला गया, भीड़ ने मार दिया, क्योंकि उनके फ्रिज में मांस पाया गया था, और बाद में साबित हुआ लैब में कि वो मांस मुर्गे का मांस था। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं को मुसलमान कैसे भूलेगा, कैसे वो भाजपा के साथ जुड़ना पसंद करेगा। तो अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, आगे आप और कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं सर, उसमें एक चीज और थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल जो है कर चुकी है, और उसका ये दावा है कि उसका ये प्रैक्टिकल जो है वो सफल भी हुआ और मुस्लिम समुदाय का वोट उसकी तरफ आया। इसके अलावा 2014 और जो 2019 के लोकसभा चुनाव की जब हम बात करें, तो 2009 के सापेक्ष जब 2014 की हम 14 का वोट प्रतिशत हम देखते हैं, तो जो लोकमीति और सीएसडीएस का जो सर्वे आया था, उन्होंने ये बात कही थी कि मुस्लिम समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ दोगुना हुआ, यानी 9% लगभग वोट गया है 2009 के सापेक्ष 14 में। फिर 19 में भी वो वोट उनके साथ बरकरार रहता है, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता है। तो एक तरफ हम ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का जो साथ है वो भारतीय जनता पार्टी को किसी रूप में स्वीकार नहीं है, दूसरी तरफ उनका वोट प्रतिशत जो है वो इजाफा देखा जाता है। तो सर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो पाएंगी? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सीएसडीएस की बहुत विश्वसनीयता है और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, उनके आंकड़ों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सीएसडीएस लगातार अपना स्टैंड चेंज भी करता रहा है। उनके आंकड़ों को अगर आप गौर से देखिए तो 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 2019 के देख लीजिए, उसको वेरिएशन मिलेगा आपको। हालांकि वेरिएशन जरूरी भी है, क्योंकि वो बताते हैं कि नहीं हमारा तो सच्चाई पे होता है, लेकिन 5-10 हजार लोगों के इंटरव्यू के आधार पर आप आंकड़ा दे दें ये संभव नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो मुसलमानों के वोट मिलने की बात कही जा रही है, तो ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पे आज तक सुनवाई नहीं हो रही है कि जहां पे 400 वोट थे वहां पे भाजपा को 600 वोट मिले हैं, वहां पे भाजपा को 800 वोट मिले हैं, उससे सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है कोर्ट? यानी ईवीएम जो है आज भी शक के दायरे में है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या इस देश का चुनाव आयोग जो वीवीपैट की पर्ची निकाली जाती है उनकी संख्या बढ़ाता है, क्यों नहीं बढ़ा रहा है? ये मांग जो है मुसलमानों की तरफ से, मुसलमान संगठनों की तरफ से कई बार हो चुकी है कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है उसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, तभी सच सामने आ सकेगा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने वोट हैं उसमें से कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, कितने नहीं पड़े हैं। और ये आंकड़ा चुनाव आयोग ने बताया था कि जहां कहीं 800 वोट थे वहां 1600 वोट पड़ गए हैं, तो वो जो 800 वोट अतिरिक्त पड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो वोट देते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि आप बताइए कि चुनाव लड़कर कोई जो मुस्लिम कैंडिडेट आज तक, एक तो पहली बात तो यह है कि भाजपा मुसलमान लोगों को टिकट नहीं देती है, गलती से उसने टिकट भी दे दिया है तो मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से एक बार जीते, उसके बाद दोबारा वो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके, और उनको जितने भी वोट मिले हैं उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये इंडिविजुअल वोट हो सकता है मुख्तार अब्बास नकवी को, क्योंकि रामपुर एक मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन आप देश के किसी और हिस्से में बताइए, लखनऊ में जरूर मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिला है, कई बार मिला है, लेकिन उसकी वजहें अलग हैं। वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो राजनाथ सिंह से प्रभावित है, यानी उसमें राजनाथ सिंह का अपना प्रभाव था, राज बब्बर जीते थे तो राज बब्बर का मुसलमानों पे अपना प्रभाव था, तो इस तरह से राज बब्बर कांग्रेस से जीते, इसी तरह राजनाथ सिंह बीजेपी से जीते। तो आज भी जो लखनऊ में मुसलमान हैं तमाम जो, वो राजनाथ सिंह के सीधे संपर्क में है, राजनाथ सिंह उनका नाम लेके उनको जानते हैं, और राजनाथ सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड बतौर यूपी के मुख्यमंत्री मुसलमानों से दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। तो ये तो इंडिविजुअल की बात हुई, लेकिन एज ए पार्टी अगर आप बात करें तो मुसलमान वोट नहीं डाल रहा है। ये आंकड़ा कहां से आ रहा है, कौन ला रहा है, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैं भी चुनाव के दौरान जाता हूं, हमारे साथी विजय सिंह हैं, सीनियर साथी हैं, हम लोग जाते रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से जानते हैं लोगों को, उनसे पूछते भी रहे हैं कि भाई आपने वोट किसको दिया, तो लोग खुल के बताते हैं। हमने वेस्ट यूपी में जिन इलाकों में दौरा किया था वहां के लोग तो खुल के बोलते हैं, यानी जो हमारे वेस्ट यूपी की जो जाट कम्युनिटी है वो खुला बोलने के लिए, ओपन बोलने के लिए बहुत अच्छी तरह जानी जाती है, तो वहां के मुसलमान भी उसी तरह बोलते हैं जिस तरह से वहां के जाट बोलते हैं। तो ये आंकड़ा कहाँ का है, कौन लोग हैं जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मैं नहीं जानता।
राय साहब। सर चूंकि आपको निकलना है तो एक सवाल मैं और ले लूं आपसे। सर जो बात हो रही है, दरअसल खबर ये भी आ रही है कि जो ये सारी कवायद की जा रही है, ये मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने, चुनाव को प्रभावित करने या बाकी किसी चीज के लिए नहीं, ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि हम ऐसे लोगों को जो जोड़ रहे हैं उसको टारगेट जो है उनका वो समझ लिया जाए। पहले बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स को ये टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनका सारा आंकड़ा इनके पास रहेगा, यानी सारा डेटा रहेगा, और खबर ये आ रही है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए हो रही है। अब अगर वो पैसे को लक्ष्य बना करके इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो क्या ये जो है इससे चुनाव प्रभावित होगा, इससे मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ेंगे या फिर उन लोगों के संपर्क में जो और वोटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गंगा जमुनी तहजीब देखी जाती है, तो क्या उससे और वोटर्स प्रभावित होकर पार्टी से दूर नहीं जाएंगे? देखिए राय साहब, ये जो सारा मामला, बीजेपी दरअसल एक मैसेज भेज रही है इन तमाम अभियानों के जरिए कि मुसलमान जो समाजवादी पार्टी को यूपी में वोट देता है या बसपा को वोट देता है या कांग्रेस को वोट देता है, वो कुछ प्रतिशत हमारी तरफ खींच के आ जाए, या पंजाब में या हरियाणा में या कोई भी राज्य ले ले जहाँ पे मुसलमानों की थोड़ी बहुत अक्षरियत है। तो ये सिर्फ गुमराह करने का एक इनका अभियान है कि मुसलमान ये सोचेगा यूपी में बैठा हुआ कि यार महाराष्ट्र का मुसलमान शायद बीजेपी को दे रहा है, वहां के फला नेता, फला इंपॉर्टेंट नेता इनके साथ जुड़ गए हैं। तो ये बीजेपी का ये मानना है, इनके नीति निर्धारकों का, कि अगर 4-5% मुसलमानों को भी हम अपनी तरफ खींच ले गए तो हम बहुत बड़ी कामयाबी पा जाएंगे। इनका मेन मकसद है मुसलमान वोटों को तितर बितर करना, छिन भिन करना, बांट देना, जिसे कहते हैं बांट देना। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा में जहां पे पंजाबी कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी एक थी और वो वोट डालते थे, और जाट तो बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हरियाणा में, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर, महिला पहलवानों के मुद्दे पर वो बीजेपी से दूर चला गया है। तो बीजेपी के वोट बैंक, बीजेपी ने अपने वोट बैंक को जब जाता हुआ बाहर देखा, यानी जाटों को जाता हुआ बाहर देखा, तो उसने वहां जेजेपी से कह दिया कि आप 200 सीटों पर चुनाव लड़ लो। जेजेपी एक जाट बेस्ड पार्टी है, जब जेजेपी वहां पूरी तरह से लड़ेगी तो वोट बटेंगे जाटों के। ये सारा मकसद होता है राजनीति में, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, दिखता कुछ और है।